Hello everyone, this is your Puneet Vasish and you are watching Star D News. Keep watching. आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर। भारतीय सीए और एनपीआर को लेकर विरोध कर रहे हैं। सीए और एनपीआर क्या है ये? देखिए, मोदी जी का नारा था 125 करोड़ जनता के विकास, वो विकास पर आए थे गुजरात से, फिर उन्होंने लिया सबका साथ सबका विकास और 2019 के चुनाव में उन्होंने कहा सबका विश्वास, तो इस तरह विश्वास जीतेंगे। कभी 3 तलाक का मुद्दा लाते हैं, विवादित मुद्दा, कभी एनआरसी सीए लाते हैं। ये काला कानून की जरूरत क्या है? आज देश को चाहिए शिक्षा, रोजगार, गरीबी रेखा से जो नीचे है उसको ऊपर की तरह लाइएगा। तो ये क्या करते हैं, हर बार विवादित मुद्दा को लाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। भाजपा अपने मुख्य मुद्दे से भटक गई है। आज भी उनसे गुजारिश करते हैं कि विवादित मुद्दों को, एनआरसी सीएए को आप वापिस लें। इसलिए मोदी जी, सबका विश्वास जीतिए आप। अगर वादा करते हैं सबका विश्वास, सबके मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का विश्वास, तो इस तरह विवादित कानून ला के विश्वास जीतेंगे? क्या जरूरत थी? रातों रात एक बैग तानाशाह की तरह नोट को बंद कर देते हैं, 8 बजे टीवी पाते हैं और बोलते हैं 12 बजे के बाद 500 का 1000 का नोट बंद। ये तानाशाही है। किसी भी कानून को एनआरसी जो लाया, 10 तारीख को कैबिनेट में पास किए, 11 को पार्लियामेंट में लाए और 12 तारीख को राज्यसभा से पास करें, क्या जल्दी थी इतना? चर्चा होने देते 2 महीना इस पर। इसलिए गुजारिश है कि आप इसको वापिस लें। मैम, आप सर पर कफन बांध करके मेन रोड में आए, क्या कहेंगे? ये हम लोग तो देश हिंदुस्तान को बहुत ही बेटर मानते हैं और मेरा मादरे वतन है और हिंदुस्तान में जीने का मुझे बहुत ही ये था कि पाकिस्तान से भी बेटर है, अब नाश्ते भी बेहतर है, यहाँ तक कि हम लोग अरब से भी बेहतर बोले हिंदुस्तान को। इसलिए कि यहाँ पे सारे लोग जो हैं, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के त्यौहार में हम लोग गए, लेकिन उसको तोड़ने को मोदी जी कोशिश किए हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब देखना है ये कि एनआरसी और सीए को लेकर कब तक ये लोग विरोध करते हैं। आप देखते रहिए स्टार डी न्यूज़, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार। जेल में डालो, जेल में डालो, फांसी दे दो, फांसी दे दो, छीन के लेंगे, छीन के लेंगे। आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज़, हर खबर का असर।